हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज इरा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टॉप 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप अपना हॉस्पिटल सेलेक्ट करें मैटरनिटी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी के लिए. तो सबसे पहला और नॉन नेगोशिएबल पॉइंट है कि हॉस्पिटल आपके घर से क्लोज होना चाहिए. ऑफकोर्स अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, तो अच्छा और जो क्लोजेस्ट आपके घर से हो उसे सेलेक्ट करें. क्लोज होने का रीज़न ये है कि जब आपकी डिलीवरी होगी आपको नहीं पता कि हाउ थिंग्स विल बी, कितने लोग आपके पास होंगे, किस सिचुएशन में लेबर होगा या फिर वाटर ब्रेक होगा, तो कभी भी आपको रश करना पड़ सकता है एंड यू डोंट वांट कि आपका पूरा टाइम रास्ता कवर करने में ही निकल जाए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हॉस्पिटल आपके घर के पास हो. नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉस्पिटल में NICU भी होना चाहिए. NICU न्यूबॉर्न्स के लिए एक स्पेशल ICU होता है जिसमें न्यूबॉर्न केयर के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. टेम्परेचर का और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है क्योंकि बेबीज़ की बॉडी बहुत ही अडेप्ट नहीं की होती न्यूबॉर्न्स की. और स्पेशली आपको नहीं पता, हमें किसी को नहीं पता कि हमारी प्रेगनेंसी डिलीवरी क्या होगी. इन केस इफ देयर इज़ अ प्रीमैच्योर डिलीवरी वी वांट द हॉस्पिटल टू हैव एन NICU, क्योंकि अगर NICU नहीं होगा तो वो हॉस्पिटल फिर बेबी को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगा जहाँ पे NICU हो. तो आप नहीं चाहते कि एक न्यू बॉर्न को मदर से सेपरेट किया जाए क्योंकि मदर कैन नॉट ट्रैवल एट दैट टाइम टू इमीडिएटली. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिडर करें जब आप हॉस्पिटल सेलेक्ट करें कि NICU उसी हॉस्पिटल में हो जिसमें आप अपनी जर्नी प्रेगनेंसी की कंटिन्यू करने जा रहे हैं. थर्डली, अच्छा रहेगा अगर आपका हॉस्पिटल, अगर आपके पास इंश्योरेंस है और आपका हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक मेंबर है या टाई अप हॉस्पिटल है, क्योंकि उस केस में आपको एक कैशलेस सर्विस या प्रोसीजर मिल सकता है एंड आपको ऑलरेडी आप अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं विद द न्यू बॉर्न बेबी और जल्दी से घर जाना चाहते हैं. उस टाइम पे यू डोंट वांट टू वरी अबाउट कि यार इंश्योरेंस वालों ने पे किया कि नहीं, मुझे पेमेंट करना है, रिफंड का वेट करना, फॉलो अप करना. ये बेस्ट है अगर आपका हॉस्पिटल, अगर ऑलरेडी आपकी इंश्योरेंस कंपनी से मेंबर है तो वो वहाँ से कैशलेसली प्रोसीजर हैंडल कर लेंगे. आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो उनको चाहिए होंगे और लास्ट में जो रिमेनिंग अमाउंट एक्स्ट्रा होगा वो आपको पे करना होगा. नेक्स्ट, आप ये देख सकते हैं कि अगर आप स्पेशली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं उनके लिए, कि अगर आपका क्लास एंटीनेटल क्लासेस या फिर लमास क्लासेस ऑफर करता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं और हमारे आसपास के लोग हमें बहुत सारी चीज़ें भी बताते हैं जो उनको उनकी प्रीवियस जनरेशन ने बताई है. उसमें से कुछ चीज़ें यूजफुल होती हैं, कुछ चीज़ें इतनी सही नहीं होती, गलत भी होती हैं. तो वी नीड प्रॉपर गाइडेंस और उसके लिए हमें इट शुड कम फ्रॉम द फिजिशियंस एंड डॉक्टर्स जिनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है उसमें और वो आपको एक सही तरह से गाइडेंस दे पाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस होगा. मैं अपनी न्यूरोनेटल क्लासेस की वीडियो यहाँ पे लिंक कर दूंगी. ऑब्वियसली मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वॉज मोर केयरफुली लिसनिंग टू इट, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहली बार है, इट्स माई फर्स्ट जर्नी. तो लेकिन मैंने कुछ स्लाइड्स ली हैं एंड ओवरव्यू आपको दे दूंगी कि उसमें क्या क्या कवर होता है. तो उसमें एनेस्थेटिशियन आते हैं, आपकी मैटरनिटी डॉक्टर आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, पेडियाट्रिशियन आते हैं और डाइटिशियन आते हैं और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है जो आपको हर, इवन फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं तो आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए किस किस स्टेज पे. यू फील वेरी रिलैक्स्ड क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है. तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि नॉलेज इज पावर, इन्फॉर्मेशन इज पावर. अगर आपको पता होगा तो यू विल डू ऑल द थिंग्स इन द राइट वे एंड यू विल बी वेरी काम एंड हैप्पी ऑल थ्रू आउट द जर्नी. इट इज़ ऑल्सो डिजायरेबल कि आपकी हॉस्पिटल में अगर फिजियोथेरेपी यूनिट हो. अब ये एकदम नेसेसरी नहीं है, इट्स जस्ट डिजायरेबल क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको कई बार हॉस्पिटल जाना होता है, लास्ट में विजिट्स भी फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और अक्सर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन आर वेरी कॉमन अक्रॉस ऑल वेमेन. किसी को बीच में होता है, किसी को अपर बैक में, लोअर बैक में, किसी को पैर में, कहीं ना कहीं यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ पेन. तो अगर फिजियोथेरेपी यूनिट होगा तो वो एक गाइडेड एक्सरसाइज आपको बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि कौन सी एक्सरसाइज आपके कौन से ट्राइमेस्टर में आपको करनी है. नॉट ऑल एक्सरसाइजेस कैन बी डन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और इन द थर्ड ट्राइमेस्टर. सो एंड विच विल हेल्प यू पेन रिड्यूस करने में और आपको कंफर्टेबल फील कराने में. तो अगर फिजियोथेरेपी यूनिट है इट इज़ डिजायरेबल, यू कैन चेक फॉर इट. अगर नहीं है तो आप अलग से भी जा सकते हैं, बट दैट विल जस्ट ऐड ऑन अनदर ट्रिप टू अनदर हॉस्पिटल और अनदर सेंटर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डालूंगी प्रेगनेंसी पे, मेरी लर्निंग्स पे और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पे भी आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे वीडियोस. So also don't forget to hit the bell notification icon so that you get notified every time I put out a new video. Have a very safe delivery and a safe pregnancy. Stay happy. Take care. Bye-bye.